हमने लास्ट टाइम देखा था कि वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, हाउ टू प्रिंट इट। दो टाइप के जो हमारे ये थे, क्या कहते हैं उसको, हाँ दो टाइप के इनिशियलाइजेशन है, वो देखे थे हमने। फाइन, जस्ट फॉर प्रैक्टिस कैन यू गाइज राइट अ प्रोग्राम टू लेट्स से फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बस दैट्स इट। एक जैसे ऑनलाइन जीडीबी में एक प्रोग्राम लिखे, जो लोग आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं उन लोगों को कुछ भी नहीं समझेगा, सो दे कैन रेफर द वीडियो लेटर। फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, एंड द सेकंड वन आई विल जस्ट शेयर आफ्टर दिस सेशन। तब तक सेम प्रोग्राम ट्राई कर सकते हो। हाँ
पालकर, योगिनी, सुरेश, रोशनी, शुभांगी, किसी का हुआ? मेरी आवाज आ रही है? एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस? ये सब हो गया। हो गया, योगिनी का हो गया, पालकर। कर हाँ, रही हूँ। कोई इशू है इंटरनेट में? रोशनी, शुभांगी, सुरेश, सर कल का सेशन नहीं किया था ना, तो ठीक थोड़ा है, तो फिर प्रॉब्लम। आज का स्किप कर दो, वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा नहीं तो। ठीक, पहले दो वीडियोस देख लेना, अगर समझ में आता है तो फिर कल का सेशन अटेंड करना। रोशनी, फिर सिर्फ ऐसे ही टाइम यहाँ पे मत स्पेंड करो, यू वोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग अगर कल का सेशन जिन्होंने मिस कर दिया। हाँ तो पहले देख लेते हैं, कल का करेंगे। रोशनी, तुमने भी अटेंड नहीं किया होगा कल का सेशन, तो यू कैन स्किप दिस सेशन। ठीक, आप लोग कुछ प्रोडक्टिव वर्क कर सकते हो और पहला वीडियो देख सकते हो, वो रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पे अवेलेबल। सुरेश, तुमने अटेंड किया था कल का सेशन? इफ नॉट, यू कैन ऑल्सो स्किप ठीक दिस सेशन। है ना सर, मैं दूसरा वर्क कर रहा हूँ लेकिन मीटिंग अटेंड कर लेता हूँ। कुछ समझेगा ही नहीं, अननेसेसरी डेटा लॉस होगा, इसलिए बोल रहा हूँ। जी सर, कोई बात नहीं। ठीक है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग है अवेलेबल, यू कैन लाइक वॉच दैट वीडियो ऑन यूट्यूब, एंड फिर जब समझ में आएगा तब यू कैन कम बैक हियर। ओके सर, ठीक है ना। पालकर एंड योगिनी, आप लोगों ने यूजर से इनपुट लिया है? हाँ मैं सर, वही कर रही हूँ। ग्रेट, सो प्लीज गाइड मी हाउ कैन आई डू दिस प्रोग्राम। पैकेज देना जरूरी है? फंक्शन हाँ, कैसे डिफाइन करते हैं यहाँ पर? इट्स फ्रीक्वेंसी। सिमिलर टू योर पाइथन का डेफ कीवर्ड। ओके, एंड यस सर। देन FMT, कुछ भी प्रिंट करना है तो FMT वी यूज, सेमीकॉलन इज ऑप्शनल, तो यहाँ पे मुझे इंपोर्ट भी करना जरूरी है FMT। एक ही पैकेज इंपोर्ट करना गो रन रेक्टेंगल और गो। ठीक है, इट इज वर्किंग नाउ। इफ आई वांट टू डिक्लेयर, मुझे रेक्टेंगल के लिए ऑब्वियसली लेंथ और ब्रेथ लगेंगी, तो मैं यहां पर डिक्लेयर करना चाहता हूँ वेयर लेंथ एंड ऑफ टाइप इंट। अगर दो वेरिएबल डिफाइन करने हैं तो गाइस लेन कॉम्प्लेक्स ब्रेक, बट हम रीडेबिलिटी के लिए विल कीप टू डिफरेंट। एंड देन FMT डॉट प्रिंट ln, इट शुड बी प्रिंट, एंटर ln gth। ओके, FMT डॉट स्कैन, ये जो भी वैल्यू आएगी वो स्कैन करके कहाँ जानी चाहिए? लेंथ में। सिमिलर क्या हाँ, परसेंट डी आएगा ना स्कैनफ में, परसेंट डी आएगा ना। परसेंट ही आएगा? लेट मी जस्ट चेक। कल का सेशन में थी ना तुम? हाँ एस टाइप स्ट्रिंग एंड आर्गुमेंट टू FMT। ठीक, कैन नॉट यूज ब्रेथ वैल्यू ऑफ टाइप इन स्ट्रिंग। ठीक है, तो जो भी वैल्यू हम यहां पर देंगे वो किसके लिए जाएगी? वो एज ए स्ट्रिंग जाती है, बट हमारे केस में अभी वो वैल्यू स्ट्रिंग नहीं है,
ठीक, अगर इतना हो गया है सो वी कैन क्रिएट वन मोर वेरिएबल जिसमें हम डायरेक्टली कैलकुलेशन करेंगे. ठीक, सो एरिया कोलन इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड एंड हियर आई कैन प्रिंट एग्जैक्ट आउटपुट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज परसेंट फील. प्रिंट एलएन की जगह प्रिंट एप शुड बी देयर. ओके, वेरीफाई कर लो गाइस. मृणाल कैन यू हियर मी? मृणाल दिख रही है. ओके, कैन यू प्लीज ट्राई द सेम प्रोग्राम ऑन ऑनलाइन जीडीबी? यस सर. प्लीज सर, वो शुभांगी का नाम जूम पे शुभांगी का आवाज किसने रखा पता नहीं, वो क्यों ऐसा किया उसने, और वो चेंज भी नहीं करती. उसको पता ही नहीं है शायद. नहीं, उसको हमेशा बोला है हमने कि तुम्हारा शुभांगी गावा से आता है, तो पता नहीं सर मुझे चेंज कैसे करते है, ये नहीं समझ में आता है ऐसा बोला. मेक इट अ डिसेंबर टू सर. ये फ्लोट में एक फ्लोट 32 और फ्लोट 64 है, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि फ्लोट 32 कब देना है और फ्लोट 64? यहाँ पे साइज 32 बिट्स और 64 बिट्स ऐसा दिया है. ट्राई करके देखना, अगर चल गया तो चल गया, नहीं तो चेंज कर देना. फिर एक ही जगह पे डिक्लेयर करते हैं ना हम, हर बार तो नहीं करते. राइट, जैसे डेटाबेस के अंदर हम एक बार मैंने टाइनी इंट दे दिया, मेरे अगर यूजर्स की लिस्ट बढ़ गई बहुत ज्यादा, अगर डेटा आ गया तो मैं टाइनी इंट से चेंज करके उसको बिग इंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ. राइट, तो एक जगह पर ही चेंज करना पड़ता है, बाकी सभी जगह पर फिर वो मैनेजेबल है. वो ऑब्वियसली ये आई थिंक ब्लॉकचेन के प्रोग्राम्स बनाने के वक्त इनको बड़े साइज की ही जरूरत पड़ती होगी, इसलिए वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वैसे बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गए हैं. 2008-09 में अगर ये प्रोजेक्ट बनाया है गोलैंग का, सो ऑब्वियसली उन्होंने दिमाग लगाया कि चीजें भले ही हमारे पास रैम का साइज प्रोसेसर का पावर बढ़ गया है, बट फिर भी वेबसाइट्स एप्स या फिर जो प्रोसेसिंग है वो स्लो हो रही है. तो इन लोगों ने फिर डेटा टाइप स्टैटिकली टाइप कर ही दिया सो दैट पहले ही रिजर्व हो जाए कि कितना चीज लग कितना स्पेस लेगा मेरा इंटीजर फ्लोट या फिर इंटीजर 64 32. तो इसी वजह से ये एक्चुअली बहुत फास्ट है गोलैंग एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट इन द लॉन्ग रन डोंट नो अभी क्या आता है. मुझे लगता है कि कितना भी साइज बढ़ जाए, इट्स ऑल अबाउट लाइक कोडिंग स्टाइल, आप कोड किस तरह से लिखते हो उसी के बेसिस पे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मतलब फास्ट होगा या स्लो होगा ये डिपेंड करता है. आपने अननेसेसरी फॉर लूप लिख दिया
अननेसेसरी वाइल लूप लिख दिया तो वो भी स्लो हो सकता है। और डेटा प्रोसेसिंग में डेटाबेस से डेटा लेकर आ रहे सारा के सारे 100 कॉलम्स लेकर आ रहे हैं और जिसमें से दिखाने 3 या 4, तो वो केस में भी ऑब्वियसली स्लोनेस आएगा ही आएगा। तो इट्स ऑल अबाउट कोडिंग स्टैंडर्ड्स, आप कैसे फॉलो करें। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तो पावरफुल फीचर जो है वो तो यूज करना ही चाहिए, इसमें स्टैटिकली टाइप्ड है, बहुत मिनिमल चीजें हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पूरी तरह से निकाल दिया है, दैट इज व्हाई वी आर लाइक यूजिंग दिस फॉर प्रोजेक्ट्स। अल्फिया तुमने कल का सेशन अटेंड नहीं किया होगा तो यू कैन स्किप दिस सेशन, अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो जाएगा। यू कैन गो टू वीडियोस, यूट्यूब पे कल का रिकॉर्डिंग मैंने डाल दिया है, यू कैन वॉच दैट वीडियो, यू कैन वॉच टूडेज वीडियो ऑल्सो, आफ्टर दिस सेशन आई एम गोइंग टू अपलोड दिस वन, एंड दोनों वीडियोज अगर देख के कुछ समझ में आते हैं देन यू कैन कनेक्ट टू मी, बिकॉज आई एम गोइंग टू आस्क एनी वन टू शेयर द स्क्रीन इन बिटवीन if they are attending. Area of rectangle is percentage. Nunal, are you done with this? No, sir, just 5 minutes. Your voice is very low. I'm not sure. ठीक है, until she is like going through, कुछ चीजें यहाँ पर देख लेते हैं। गो का सिंटैक्स, ओके, गो फाइल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, पैकेज डिक्लेरेशन दैट इज मस्ट, इम्पोर्ट पैकेजेस इफ यू वॉन्ट टू यूज एनी पैकेज यू कैन इम्पोर्ट, इफ यू हैव वॉन्ट टू यूज मल्टीपल, इफ यू वॉन्ट टू इम्पोर्ट मल्टीपल पैकेजेस जस्ट एनक्लोज इट इन राउंड ब्रैकेट, ओके। पोस्ट दैट फंक्शंस, ओके, फंक्शंस इसलिए जरूरी है क्योंकि गोलैंग में विदाउट फंक्शन यू कैन नॉट रन एनी कोड, सो देर शुड बी एटलीस्ट एंट्री पॉइंट, स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस, एंड देन आपके उसमें मेन फंक्शन के अंदर आप क्या लिख सकते हो, स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, ठीक है, जितने ज्यादा उतने स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल एक्सप्लेन गो स्टेटमेंट्स, दिस इज कॉमन, आप सिंगल लाइन में भी कोड लिख सकते हो, दैट इज पॉसिबल, बट फॉर रीडेबिलिटी पर्पज वी डोंट रिकमेंड इट। यहाँ पर इन्होंने भी लिखा है, यू कैन राइट मोर कॉम्पैक्ट कोड लाइक शोन बिलो, दिस इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज इट मेक्स द कोड मोर डिफिकल्ट टू रीड, यू नीड टू कीप इट सिंपल, ओके, यू नीड टू कीप एवरीथिंग सिंपल। द नेक्स्ट वन, कमेंट्स, यू कैन गिव कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट बाय यूजिंग डबल स्लैश, यू कैन यूज मल्टी लाइन कमेंट बाय यूजिंग स्लैश स्टार स्टार स्लैश, ओके, सो दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट। Earlier we have used it in JavaScript or C, C++, Java as well. Okay. Post that variables. Okay. There are only three types you need to remember. Number, that is integer or float. Second one is string, that is a normal string with space, without space. And third one is a boolean, true or false, you can use. Okay, these three types you need to just remember. Naming rules, यहाँ पर अभी जो constants है, constants या फिर constant generally capital में देते, but naming rules में ध्यान रखना, if you are using like structure, जैसा कि class में होता है, so if you want to make it a public visibility, उसका थोड़ा major scope रखना है, तो उस केस में कैपिटल केस, या फिर आप बोल सकते हो पास्कल केस में आपने वेरिएबल के नाम देने, अदरवाइज इफ यू वांट टू कीप थिंग्स प्राइवेट देन यू कैन यूज दिस, ओके, स्मॉल केस विद द स्नेक, स्नेक केस, ओके, स्मॉल कैरेक्टर विद स्नेक केस, तो इसमें अंडरस्कोर से आप वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते थे। कॉन्स्टेंट, कौन से केस में कॉन्स्टेंट यूज करना जरूरी है, कॉन्स्टेंट लेट्स से वी हैव टू सेट वैल्यू फॉर पाई, in that case you need to use constant, okay, so for this I'll ask you to perform one
program class work. Write a program to read radius and print area and circumference. ठीक है, और इसमें कॉन्स्टेंट वेरिएबल लेना है आपने पाए, सो ट्राई दिस वन गाइस, यू कैन टेक रेफरेंस फ्रॉम दिस रेक्टेंगल. ओके, कॉन्स्टेंट यूज करना है आपने, पाए कॉन्स्टेंट. Done guys? Yes sir. तो बोलते क्यों नहीं तुम लोग? सर मैं वो पाई की वैल्यू चेंज करके देख रही थी फंक्शन के अंदर क्या एरर आता है. circle.go लेंथ की जगह आएगा यहाँ पे
Yes. कॉन्स्टेंट कुठे दिला कोणत्या कोणत्या आत्मे दिला तू as expected. So why this error is coming, guys? Can anybody try? उसका आंसर पॉइंट में आएगा ना अभी. हेलो. हाँ. उसका अभी 3.14 लिया है तो उसका आंसर नहीं 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 आएगा. ये अनटाइप्ड फ्लोट कांस्टेंट सबसे पहला एरर 13 नंबर लाइन 10 कॉलम. ट्रंकेटेड टू इंट ये वाला क्या होना चाहिए. Float is it? Float 32 invalid operation by mismatch types. तो उसका जो value है मतलब जो हमारा area है वो okay f लेना पड़ेगा क्या यहाँ पे परसेंट. मैंने एफ लिया है और मैंने इसको फ्लोट लिया है रेडियस को. मैं वही बोल रहा हूँ कि एफ क्यों लेना पड़ेगा क्योंकि अपन फ्लोट के लिए एफ यूज करते ना फ्लोट के लिए. हाँ तो यहाँ पर भी क्या लेना पड़ेगा रेडियस फ्लोट लेना पड़ेगा और यहाँ पे कांस्टेंट में फ्लोट नहीं लिया तो चलेगा. ओके कॉन्स्टेंट में फ्लोट नहीं लिया तो चलेगा. वी कैन स्किप इज इट. ओके सो दैट्स हाउ वी कैन मेक यूज ऑफ कॉन्स्टेंट वेरिएबल. ओके दैट्स हाउ वी कैन मेक यूज ऑफ कॉन्स्टेंट वेरिएबल. तो कॉन्स्टेंट में हमें वैल्यू उसी समय असाइन करनी पड़ती है गाइस. ओके कॉन्स्टेंट में हमें वैल्यू उसी समय असाइन करनी पड़ती है. दैट इज वाई इट इज नॉट मैंडेटरी टू गिव टाइप क्योंकि टाइप हम देते हैं. ओके टाइप हम देते हैं तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि बाद में उसकी वैल्यू कभी तो भी इनिशियलाइज होने वाली है. बट कॉन्स्टेंट के केस में तो हम उसी वक्त इनिशियलाइज भी करते हैं और वैल्यू कभी फिर चेंज भी नहीं हो सकती. ट्राई करके देखते हैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करने का. ओके अनटाइप्ड फ्लोट कांस्टेंट 3.14 कैन नॉट असाइन टू पाई. ओके सो वी कैन नॉट रीअसाइन द वैल्यू टू एनी कांस्टेंट. ओके चलो अभी नेक्स्ट चीज देखते हैं गाइस दैट इज योर आउटपुट. ओके सो आउटपुट में प्रिंट प्रिंट एलएन एंड प्रिंट एफ ये तीन फंक्शंस आपने यूज करने. सो वन बाय वन आई विल आस्क यू मृणाल प्रिंट फंक्शन से क्या होता है. स्ट्रिंग प्रिंट कर सकते हैं वेरिएबल प्रिंट कर सकते हैं. गुड
प्रिंटलन से क्या होता है योगिनी? हम स्ट्रिंग वेरिएबल्स भी प्रिंट, उससे भी तो सेम ही होगा ना, स्ट्रिंग भी प्रिंट कर सकते हैं, वेरिएबल भी प्रिंट कर सकते हैं। तो फिर दो फंक्शन क्यों दिए? सिर्फ प्रिंट से मैंने वेरिएबल नहीं प्रिंट करके देखा है, स्ट्रिंग प्रिंट होती है उससे। पालकर न्यू कैन लाइन, यू ट्राई? न्यू लाइन, न्यू लाइन। ओके, आफ्टर प्रिंटिंग इट लाइक इट गेट इनटू द न्यू लाइन, ओके। किससे? प्रिंट एलन से। यस, जावा में तुमने यूज किया होगा कभी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नहीं किया? जावा याद नहीं है सर। अरे बट यहाँ पर भी तो हमने यूज किया, अभी गोलैंग में भी तो यूज किया, प्रिंट और प्रिंट एलन दोनों भी, कल भी तो देखा था हमने कि मुझे यूजर से प्रॉम्प्ट करना है कोई चीज, एंटर अ नंबर, तो मैं प्रिंट ही यूज करता हूँ, क्योंकि प्रिंट एलन में तो वो न्यू लाइन में चल जाएगा ना तुम्हारा कर्सर। ओके ओके ठीक है पालकर, प्रिंट एफ का डिफरेंस बताओ, हाउ इट इज डिफर फ्रॉम प्रिंट एंड प्रिंट एलन? प्रिंट एफ से हम वेरिएबल भी प्रिंट कर सकते हैं ना। ओके, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रिंट एंड प्रिंट एलन? ओके मृणाल, प्रिंट एफ में जैसे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना है तो इसलिए हम प्रिंट एफ यूज करते हैं, जैसे वेरिएबल्स की पाइथन वैल्यू में तो मैं, फॉर्मेटेड ओके फॉर्मेटेड स्ट्रिंग जैसा, गुड, यस। तो सी लैंग्वेज का ही सिंटैक्स इन्होंने प्रिंट एफ का लिया है, एंड टू प्रिंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हिच फॉर्मेट स्पेसिफायर वी नीड टू यूज? परसेंट वी। टू प्रिंट द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल व्हिच फॉर्मेट स्पेसिफायर वी नीड टू यूज? डेटा टाइप परसेंट डी। What is it, guys? परसेंट बी और परसेंट टी। सो यहाँ पे परसेंट डी और परसेंट एफ भी वर्क करता है? नहीं, नॉर्मली नॉर्मली मतलब वैल्यू के लिए परसेंट बी और टाइप के लिए परसेंट टी। परसेंट डी कब तक याद रखेंगे ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक, दीज आर द टू विच वी नीड टू यूज frequently. Getting it, guys? Yes, sir. Yes, sir. String के लिए देखे try करें। True false के लिए try करके देखें। Is it clear, guys? किसी के लिए भी, हाँ, और फ्लोट के लिए भी, कुछ लोग फ्लोट के लिए भी देखते हैं।
64. Okay. So yes, that's sir. How you need to use. So आप लोग देखिए गाइस इसको प्रॉपरली प्रैक्टिस कीजिए. फॉर टुडे सेशन दिस इज इट. क्योंकि अदर गाइज आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू लर्न दिस लैंग्वेज तो मैं बहुत शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज रखूंगा. एक दिन एक एक टॉपिक ही रखेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ दिस लाइव सेशन वॉट यू गाइज नीड टू डू यू नीड टू इंस्टॉल. ओके यू नीड टू इंस्टॉल गो इन योर लोकल सिस्टम. यू नीड टू स्टार्ट यूजिंग विजुअल स्टूडियो कोड. ओके वीएस कोड में ही हम ट्राई करेंगे. मोर ऑफ द प्रैक्टिस वी आर गोइंग टू डू इन वीएस कोड. एंड जस्ट टू सेव टाइम एंड बेसिक के जितने भी प्रोग्राम्स है बेसिक के प्रोग्राम्स यू कैन फाइंड हियर. कोडिंग सेट एकेडमी का ब्लॉग है. सी बेसिक्स के जो प्रोग्राम है सेव प्रोग्राम्स यू कैन ट्राई. जस्ट बी मोर कम्फर्टेबल इन दिस. ओके ये प्रैक्टिस करेंगे आप तो उतना ज्यादा कंफर्टेबल होंगे एंड यू गेट यूज टू इट. जिसकी वजह से आपको जैसे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जावास्क्रिप्ट है हो गया पाइथन हो गया पीएचपी हो गया तो ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जैसे ही ये लैंग्वेज भी लगेगी इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. ओके तो इसलिए ये कोड्स टारगेट रखना कि ये सारे के सारे प्रोग्राम्स आप एक ही दिन में निपटा दो तो और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे. फाइन सो शैल वी रैप अप द टुडे सेशन. बेसिक प्रोग्राम्स आप लोग कीजिए एंड टुमारो वी आर गोइंग टू सी conditional statement. We'll start with if else and switch as well. Okay? Yes, sir. Chalo. See you tomorrow then. Bye. I'll upload this video. Kal ka video dusre channel pe chale gaya tha. But aaj maine subah same video upload kiya hai. And abhi ye process hone ke baad iska bhi recording mein upload kar dunga. You can follow this that tutorial. Chalo. See you guys tomorrow. Bye. Take care. Bye, sir. Bye.